दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हेलिकल रिंग की। जो हम लोग पाइल में हेलिकल रिंग लगाते हैं उसका क्या पर्पस है, क्यों दिया जाता है और कैसे बनाया जाता है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है। जैसे हम आपको आज दिखा रहे हैं, हमारा जो पाइल का साइज है वो 600 mm का है, ठीक है। तो हम लोग जब हेलिकल रिंग बनाएंगे उसको क्या करेंगे, जो हमारा क्लियर कवर है, जैसे जो हमारा यहाँ पे 600 का डाया का पाइल है उसमें क्लियर कवर हमारा कितना है, 75। तो 75 75 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा, 450 mm, ठीक है। तो जो 450 mm है तो उसके हिसाब से हम लोगों को यह सिलेंडर टाइप का एक ये क्या कहते हैं इसको बनाने के लिए रेनफोर्समेंट का हम लोगों ने सिलेंडर टाइप का किया, जिसमें ये मास्टर रिंग दोनों तरफ लगा दिया और ये हमारे हैंडल हो गए, ठीक है। और हमारा जो रिंग है हेलिकल रिंग वो 8 mm का है और ये हमारा 12 मीटर का लेंथ है। इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये एक हुक में इसको ऐसे फिक्स करते हैं। ये हम लोगों ने सरिया को फिक्स करने के लिए एक हुक दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसको रोटेट करके हम लोग दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए, आप देखिए वहाँ फंसा हुआ है, ऑटोमेटिक ये हम रोल कर रहे हैं और इसमें ये हेलिकल जो रिंग है हमारा कंटिन्यू बन रहा है। जो हमारा लेंथ है 8 मीटर लाड का, ये कितना है, 12 मीटर का है। ये हमारा बन गया, अब इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने अपने ये जो हमारा अरेंजमेंट है इससे किए। इसके बाद ये देखिए, ये जो हमारा डाया के हिसाब से ये हेलिकल रिंग रेडी हो गया। ये जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा डाया है। अब इसको जो हमारा पाइल केज होता है इसमें कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये हमारा हेलिकल रिंग हो गया। अब ये देखिए पाइल केज में इसको डालते हैं। ये जो हमारा केज है, ये हमारे मेन रेनफोर्समेंट हो गए और ये हम लोग इसमें डाल रहे हैं। इसको कैसे फिक्स करते हैं, ये जो है हमारा फिक्स करने का तरीका है, ये देखिए। तो ऐसे इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग कैसे की जाती है हम आपको पीछे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा हेलिकल रिंग हो गया जिसका हम लोगों ने अभी बाइंडिंग किया है। ये हमारा एज पर जो ड्राइंग है इसमें हमारा जो स्पेसिंग है ये कितना है, 150 का है। तो ये देखिए 150 में हम लोगों ने बांधा है। और ये देखिए कितना आ रहा है, 150। जो हमारा स्पेसिंग है हेलिकल रिंग का ये कितना है, ये अपना 150 का है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 150 का हेलिकल रिंग में दिया। जैसे कि ये हमारे जो मेन वार हो गए, ये हमारा मास्टर रिंग हो गया। अब एक्चुअली में इसको जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसका रीज़न क्या है, इसका जो मेन रीज़न होता है ये क्या होता है, पार्टिकल लोड को नीचे ग्राउंड लेवल में ट्रांसफ़र करना। और दूसरा जो मेन, सबसे मेन है वो है लेटरल लोड। लेटरल लोड यानी जो हमारा पाइल होता है बोर में, जो हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं, इसको देने के बाद जो मट्टी कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं उसको ये रोकता है। क्या होता है, लेटरल लोड को रोकता है ताकि हमारा जो पाइल है बोर है वो कोलैप्स ना हो। इसमें हम लोग कवर ब्लॉक, ये राउंड शेप के कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा 75 का जो कवर है इसको दिया जाता है ताकि जो बोर में हम लोग केज डालते हैं वो इजली वे में इस प्रकार से घूमते घूमते जा सके और हमारे केज में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग इसमें कौन सा कवर देते हैं, स्क्वायर शेप में ना देके हम लोग इसको सर्कुलर या गोल वाला जो है कवर ब्लॉक, ऐसे ये वाले कवर ब्लॉक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये कवर ब्लॉक दिया जाता है ताकि इजली वे में जमीन से कटता हुआ नीचे जा सके और हमारा केज जो है वो ना टूटे, इसके लिए ये दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको आज हेलिकल रिंग के बारे में बताया, आशा करते हैं जरूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए ताकि पाइल से रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।